वीडियो में परिवर्तन पढ़ चुके हैं उसका ही रिमेनिंग पार्ट आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन के तीन प्रकार हम पुराने वीडियो में पढ़ लिए हमने। अब चौथा जो हमारा परिवर्तन होता है वो होता है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। इसका दूसरा नाम है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ये परिवर्तन या ये बदलाव किस प्रकार का बदलाव होता है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है कि एक बार बदलाव हो जाने के बाद, चेंज हो जाने के बाद पुनः उसे अपने पिछले रूप में प्राप्त कर लिया जाता है पदार्थ को। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो होता है प्रत्यावर्तित परिवर्तन। जैसे कि हम पानी में नमक घोल देते हैं और फिर क्या होता है कि पानी में नमक घुल गया, नमक का विलयन बन गया, तो परिवर्तन तो हो गया, लेकिन अगर उस पानी को हम गर्म करें और वो पानी वाष्पित हो जाए और उसमें फिर क्या देखते हैं हम कि नमक उसमें जमा रह जाता है, नमक पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं या परिवर्तन हमारे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरा होता है हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी कि अगर बदलाव हो गया है और उसे पुनः उस प्रारंभिक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता तो वो इस तरह की क्रियाएं परिवर्तन हमारे होते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे कि दूध का फट जाना, अगर दूध फट गया है तो उसे पुनः दूध में, नॉर्मल दूध में प्राप्त नहीं किया जा सकता। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ की स्थिति में, आकार में परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग का खींचना क्या है? यह है एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि स्प्रिंग दोबारा से अपनी स्थिति में आ जाती है, थोड़े टाइम के लिए वो खींचती है लेकिन पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है या उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस तरह के परिवर्तन होते हैं भौतिक परिवर्तन। या किसी वायर का मोड़ देना, किसी तार को मोड़ देना, इस तरह के परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण, गंध, आकार सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और पुनः उन्हें अपने प्रारंभिक रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो हमारे कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं। दूध से दही का बनना हमारा एक रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि दूध और दही दोनों के अलग अलग गुण होते हैं। छठा हमारा होता है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन क्या है कि जो प्रकृति के द्वारा, जिन पे मानव का कंट्रोल नहीं होता और इस तरह के परिवर्तन होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक परिवर्तन। जैसे कि मौसम का बदलना, बारिश हो जाना, आंधी तूफान आ जाना, इस तरह के परिवर्तन प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन कृत्रिम परिवर्तन जिन्हें मनुष्य कुछ क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं के आकार, स्थिति, रंग, गंध को बदलता है, ये परिवर्तन हमारे क्या होते हैं? कृत्रिम परिवर्तन। जैसे पौधा है, पौधे का बढ़ना प्राकृतिक बदलाव है लेकिन कृत्रिम उस पौधे को काटकर उसकी लकड़ियों से फर्नीचर आदि बना लेना क्या है? हमारा कृत्रिम परिवर्तन। सातवा है अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। नाम से ही इसके क्लियर है, ऐसा परिवर्तन अनियंत्रित जिसपे नियंत्रण ना हो वो परिवर्तन हमारे क्या होते हैं? अनियंत्रित परिवर्तन होते हैं। ये प्राकृतिक परिवर्तन का ही एक रूप है, जैसे कि आंधी, तूफान, सुनामी, ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्या है? अनियंत्रित परिवर्तन है, इन पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन दूसरे क्या होते हैं? नियंत्रित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन, ऐसे चेंजेस जिन पे कंट्रोल किया जा सकता है वो कहलाते हैं हमारे नियंत्रित परिवर्तन। जैसे कि पंखा चल रहा है, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करना हमारे नियंत्रण में होता है, उसकी गति में बदलाव करना हमारे नियंत्रण में है, तो इस तरह के परिवर्तन क्या होते हैं? नियंत्रित परिवर्तन। लास्ट जटिल परिवर्तन। जटिल परिवर्तन एक बहुत ही जटिल क्रिया होती है। हम सबने डीजल, पेट्रोल, गैस देखे हैं, सुने हैं, प्रयोग करते हैं। तो डीजल, पेट्रोल, गैस इत्यादि जो बनने की क्रिया है यह आसान नहीं है, एक बहुत ही जटिल क्रिया है
बहुत ही जटिल परिवर्तन है, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन है। मतलब ऐसा माना जाता है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं कि जीवों के अंश से जो ईंधन प्राप्त हुआ है उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 300 करोड़ साल पहले कुछ प्रलय ऐसी आई कि जमीन धरती उलट पुलट हो गई और उसमें जीव दब गए, पेड़ पौधे वनस्पति दब गई और वो धीरे धीरे क्रिया करते हुए कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल इत्यादि में